हेलो फ्रेंड्स, मीनल्स किचन एंड मोर में आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी। हल्दी पार्टी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये राजस्थान में अक्सर मनाई जाती है हल्दी पार्टी। तो हल्दी में ये हल्दी की सब्जी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि ये और अदरक दोनों समान दिखती है, बट अदरक देख सकते हो आप थोड़ी सी वाइट रहती है और हल्दी तो डेफिनेटली येलो ही रहेगी, हल्दी का कलर रहता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसको हम घी में बनाते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो हल्दी ली है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसका छिलका निकालेंगे, इसको जस्ट चाकू की सहायता से ऐसे घिसते हुए निकालेंगे। जनरली हल्दी का छिलका निकालते वक्त, उसको साफ़ करते वक्त हमारे हाथ पीले हो जाते हैं, बिकॉज़ हल्दी है तो पीले तो होंगे ही। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने अपने हाथ थोड़े से चिकने कर दिए हैं ऑयल की सहायता से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हल्दी को एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया, उसका छिलका निकाल दिया है। तो इसी तरह से हम सारी हल्दी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका छिलका तो निकाल दिया है, तो अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो मैं इससे बारीक वाले से कद्दूकस करूँगी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हल्दी और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। मेरी हल्दी पार्टी शुरू हो चुकी है, मेरे हाथ तो पीले हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे घी में। तो जनरली हम लोग जितनी हल्दी लेते हैं उतना ही हमें इसको बनाने में घी इस्तेमाल होता है। तो 250 ग्राम हमने हल्दी ली है, तो 250 ग्राम हमको घी भी लगेगा। तो इसको हम फ्राई करने के लिए लगभग 150 ग्राम तक का घी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई में 150 ग्राम तक का घी लेंगे। इसमें मैं लौंग डालूंगी, 2 इलायची, थोड़ी सी हींग और इसमें हल्दी और अदरक डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर मिक्स करेंगे। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हल्दी चिपकेगी बर्तन के, बट ये जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे ये अलग हो जाएगी, चिपकेगी नहीं। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे तब तक ये पूरी तरह से बन नहीं जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर घी अलग हो गया है एकदम हल्दी से और हल्दी एकदम पक चुकी है। तो ये हमने 15 मिनट तक इसको एकदम अच्छे से चलाया है। तो अब मैं इसी में, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है और हरी मिर्च ली है, 4 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च ली है, उसको एकदम बारीक काट लिया है। और यहाँ पर लहसुन की मैंने कम से कम 3 गोटे लिए थे, तो उसको मैंने एकदम साफ़ करके कद्दूकस कर लिया है। तो ये इसमें डाल दूंगी मैं, इसको एकदम अच्छे से चला लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। इसमें अब मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मिलाऊंगी। यहाँ पर मैंने हरे प्याज लिए हैं 1.5 कप जितना और गोभी ली है, फुल गोभी एकदम बारीक काट दिया इसको मैंने, ये लगभग 1.5 कप जितना लिया है। तो इसको अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो एक एक करके डालेंगे। पहले मैं हरे प्याज डालूंगी और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 5 मिनट तक पकाकर उसके बाद इसमें मैं फूलगोभी डालूंगी। तो अब हम इसमें फूलगोभी ऐड करेंगे। इसको पकते पकते अभी लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने टमाटर और ऑनियन की ग्रेवी तैयार की है। तो इसमें मैंने 2 बड़े ऑनियन लिए थे और 3 टमाटर लिए थे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको, और इसको भी एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल ना छूटे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तभी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसमें मटर मिलाऊंगी 1 कप जितना, इसको भी एकदम अच्छे से पकने देंगे। तो आपको जैसे मैंने कहा था, इसके लिए 1/2 किलो ही घी लगेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और घी ऐड करूँगी अभी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। तो इसको 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं नमक डालूँगी, मिर्ची पाउडर, अगर आप कश्मीरी मिर्च लेते हो तो उससे और भी अच्छा कलर आएगा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून जितनी डाली है।
और 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर डालेंगे। हल्दी तो इसमें ऑलरेडी है तो हमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 250 ग्राम जितना ही दही लूँगी। जितना हमने हल्दी लिया है उतना ही हम दही भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से फिर से घी सेपरेट नहीं होता है, दही पूरी तरह से जल नहीं जाता। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, बट अभी इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता। इसी स्टेज पर मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। यहाँ पर काजू और किशमिश लिया मैंने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसको भी पकाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अब भी डालूंगी इसको। और साथ ही 1 टेबलस्पून जितनी मैं इसमें शुगर डालूंगी। ये सारे मसालों का बैलेंस करने के लिए हम लोग डालते हैं, ना कि मीठा करने के लिए इसको। अब इसको हम एकदम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो सब्जी है वो एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसमें से अभी धुआं निकलना बंद हो गया है और इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। इसमें दो स्टेज आएंगे, जब आप इसको गरम करोगे, ग्रेवी के साथ गरम करोगे, तो पहले आपको बहुत ही फ्लफ़ी लगेगी ये ग्रेवी, तो उस समय घी भी सेपरेट होता है, परंतु उस समय आपकी सब्जी पूरी तरह से बनी नहीं होती है, बिकॉज़ उसमें से धुआं निकलता है। और यहाँ पर देखिए आप इसकी ग्रेवी को देखिए, हर जगह से घी निकल रहा है। सो इट्स अ परफेक्ट स्टेज जहाँ पर हमको गैस बंद कर देना चाहिए, और इसको बनने में लगभग 1.5 घंटा ज़रूर लगता है। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हाँ बहुत इजी से, कितना भी इजी प्रोसेस क्यों ना हो, बट इसको पकने में पूरा टाइम ज़रूर लगता है। जब हल्दी की सब्जी पूरी तरह से पक जाती है तब हम इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो आप इसे, एक हफ्ते तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो ये सब्जी गरम गरम तो अच्छी लगेगी ही, बिकॉज़ गरम खाने का मज़ा भी अलग ही होता है, प्लस स्टोर करने के बाद भी आप जब भी इसको निकालो तब गरम करके खा सकते हो। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये इतना सारा घी है, तो आप सोचो कि इसको अलग करते, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज़ घी ही ऐसी चीज़ है इसमें जो इसको अच्छे से स्टोर करके रखेगा। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब्जी तो तैयार हो चुकी है और अभी मुझे तो खाने की इच्छा हो रही है, बिकॉज़ इसकी जो खुशबू आ रही है, इसमें हल्दी और घी का मिश्रण, क्या लाजवाब खुशबू है। तो आप ज़रूर इसको बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी, बट प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिएगा, तभी ये अच्छी बनेगी। कच्ची रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, ध्यान रखना, घी बहुत महंगा मिलता है। सो उसको बनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर रेसिपीज़।